इस बार जो है लड़कों की बात, युवाओं की जो बात हो रही है कि तो एक और युवा इस वक्त हमारे साथ हैं, तेजस्वी यादव आ गए हैं। तेजस्वी जी आइए ना प्लीज। और मैं चाहता हूं कि मतलब यूपी के लड़कों के बाद अब यादव बंधु जो हैं, एक बिहार से और एक उत्तर प्रदेश से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ बैठिए। नहीं तो आप कहाँ बैठोगे, बिना आपके मामला बनता नहीं है। कोई नहीं। तो तेजस्वी जी आप चर्चा सुन रहे थे। ये एक बात याद रखिएगा जी, ये जातिवादी का काम आप कर रहे हो। इसका दोषी मैं नहीं हूँ, याद रखिए, मैं सबके सामने कह रहा हूँ। इसका जातिवादी का फैसला आपने कहा है। नहीं, ये सोशल इंजीनियरिंग है। थैंक यू सो मच। तेजस्वी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत। और युवाओं की बात हो रही है, अखिलेश जी युवा नेता हैं, और गठबंधन की बात हो रही थी, अभी आप चर्चा सारी सुनी रहे थे। तो अखिलेश जी तो अभी जाने वाले हैं और आपकी अभी एंट्री हुई है, तो मैं ये चाह रहा था कि आप गठबंधन की जो राजनीति है किस तरफ जा रही है, और आपके पास कोई फॉर्मूला है 2019 का, वो अगर आप हमें बताएं। देखिए, जहां महागठबंधन की बात है, हम लोगों ने बिहार में करके दिखाया था। वो अलग बात है कि हमारे चाचा पलटी मार गए, और अभी जो कैराना में जो हुआ, जो गोरखपुर में हुआ, फुलपुर में हुआ, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हार गए, तो ये देख सकते हैं कि कितना एकता में शक्ति है। और लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी को अकेले हराने के लिए लोग डर करके एक हुए। हम कहते हैं कि मोदी जी को हराने के लिए अगर डर के एक हुए थे तो मोदी जी 40-40 पार्टियों के बैसाखी पर क्यों हैं। वो तो 40 पार्टियों के साथ गठबंधन करके रखे हुए हैं, लेकिन ऐसे दिखाते हैं जैसे वो खुद अकेले लड़ रहे हैं। डोमिनेटिंग होना चाहते हैं एकदम से अपने अलायंस में, उसी वजह से शिवसेना निकल गई, चंद्रबाबू जी अलग निकल गए, अकाली दल नाराज हो रही है, और कई साथी जो है दिन पर दिन वो खोते जा रहे हैं। और जिस प्रकार से जो देश का माहौल है, देखिए मोदी जी कोई परमानेंट बैठने वाले नहीं हैं उस गद्दी पर। जो लोग आया है बैठा है उसको एक दिन जाना है, और हम इतना ही कह सकते हैं कि मोदी जी को हराने के लिए एकजुट नहीं हुए हैं, बल्कि देश बचाने के लिए एकजुट हुए, संविधान को बचाने के लिए एकजुट हुए। और जब मोदी जी के मंत्री, केंद्र मंत्री कहते हैं कि हम संविधान बदलने आए हैं, अनंत हेगड़े, और आरएसएस के लोग कहते हैं कि हम आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, और बीजेपी के लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, तो हम गौडसे और गोवलकर के नीति को हम इस देश के संविधान में लागू नहीं होने देना चाहते। हम अंबेडकर और गांधी का देश देखना चाहते हैं। उसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तमाम जितनी भी ऑपोजिशन पार्टियां हैं, अपने अपने ईगो और स्वार्थ को छोड़ करके देश हित के बारे में सोचने का काम करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने इंडिकेशन की बात की कि किस तरफ से ये कैसा चल रहा है, तो आप जिस हिसाब से लगातार अखिलेश जी हैं यहाँ, मायावती जी हैं, जिस हिसाब से एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं और जिस प्रकार से एकजुट होकर के लड़े हैं, तो मुझे लगता है कि आगे इस प्रकार से इन्होंने आंकड़ा दिया 80 सीट जो है, आप बिहार का 40 सीट जोड़ लीजिए तो 120 सीटें होती हैं, और झारखंड का 14 सीट जोड़ लीजिए तो 134 सीटें होती हैं। तो 134 सीटों में से लगभग बीजेपी के पास अभी 116 सीटें हैं। अगर झारखंड में जिस प्रकार से लोग गोलबंद हुए हैं, और बिहार में जिस हिसाब से बीजेपी पटकनिया खा रही हमारे चाचा के जाने के बाद भी, तो हमको नहीं लगता कि बीजेपी का जो अभी जो आंकड़ा है, कम से कम हम 116 मिनिमम आने जाएंगे 134 सीटों में, अगर हम तीन स्टेट में इस हिसाब से गोलबंद होकर के। तो ये तो अच्छी बात है कि 134 सीटों की जो तिजोरी है, उसके जो सबसे बड़े चाबी रखने वाले जो दो लोग हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मंच पर हैं। तो आप दोनों का कम से कम 130-140 सीटों पर तो यही प्रभाव एक तरीके से हो गया। और मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप दोनों की कोई कॉमन रणनीति है, आप दोनों के पिता मुख्यमंत्री रहे अपने अपने राज्यों के, केंद्र में आप दोनों के पिता मंत्री रहे और उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई गठबंधन की राजनीति के लिए, कांग्रेस के खिलाफ भी एक अलग नैरेटिव दिया। अब आप लोगों ने बैटन लिया है अगली जनरेशन में, आपके पास क्या रणनीति है, आप दोनों एक साथ आने के लिए तैयार हैं? देखिए, पहले तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो आपने जातिवादी बात कर दी, परिवार बात कर दिया, हम दोनों रिश्तेदार हैं, बच्चों के कैसे बीजेपी से, आप ये बताओ पहले। आप कैसे बचोगे ये बताइए। नहीं, पर मैंने तो सच कहा। नहीं नहीं, मैं भी ठीक कह रहा हूं। आपके पास है कोई कॉमन रणनीति, आप तो एक परिवार हैं। देखिए, बिल्कुल रणनीति नहीं बताएंगे आपको, रणनीति तो बताएंगे नहीं है, क्योंकि अगर रणनीति बता दी तो हम हार जाएंगे। क्यों,
क्योंकि आपने, आपको याद होगा शायद कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, वो बीजेपी ने ये कहा कि गोरखपुर में हमारी तैयारी नहीं थी इसलिए हम चुनाव हार गए। तो कैराना में तो पूरी तैयारी थी, फिर कैसे चुनाव हार गए? इसलिए हम रणनीति आपको नहीं बताएंगे। ये अच्छा किया आपने कि हम दोनों को एक साथ मिला दिए यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ और है, जहाँ हम दो मिल रहे हैं दोस्तों को परेशानी होगी, लेकिन हम लोग परेशानियों से लड़ने वाले लोग हैं, ये भी याद रखिए आप। क्या परेशानी देख रहे हैं अभी आप अगले एक साल के लिए? देखिए, अपने लिए तो कुछ नहीं दिख रहा। अपने बीजेपी ने अपने अलायंस पार्टनर जो सीबीआई ईडी है सब कुछ छोड़ रखा, फिर भी हमारे शक्ल पे आपने चिंता नहीं देखी होगी, हमेशा हंसते हुए ही देखा होगा। तो हम तो उसको पार्ट मानते हैं। जिस हिसाब से सीबीआई ईडी बीजेपी के लिए काम कर रही है, हम तो उसका अलायंस पार्टनर मानते हैं। और देखिए, हम लोग नौजवान लोग हैं, हम लोग अखिलेश जी ने काफ़ी बात कही कि जातिवादी सोच के हम लोग नहीं हैं, हम लोग चाहते हैं कि विकास हो। लेकिन जब तक हमारा देश नहीं बचेगा, जब तक हमारे देश में अमन चैन कायम नहीं रहेगा, हिंदू मुसलमान से लड़ता रहेगा, सिख ईसाई से लड़ता रहेगा, तो हम लोग कैसे अपना देश को जो है एक वहाँ अमन चैन देख सकते हैं, या विकसित राज्य देख सकते हैं, या विकसित देश देख सकते हैं? तो जहाँ पीस है वहीं प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि नौजवानों को रोज़गार मिले, हमारे बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में भी कारखाने लगे, और जो महंगाई अभी जिस प्रकार से जो चरम सीमा पर है, और देखिएगा किसान बेहाल है, मजदूर बेहाल है, लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, हमारे जवान सरहदों पे शहीद होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा देश कहां से कहां हुआ। आप लोग बात करते हो कि मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी से डर गए। अरे मोदी जी से पूछिए ना, 4 साल में मोदी जी ने आपने क्या किया, आगे क्या करोगे? मोदी जी चेहरा किस लिए हैं? जिन्होंने वादा किया, एक वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी आएंगे, सर्वे ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। आप सवाल पूछिए कि आपने नौजवानों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, क्या किया देश के विकास के लिए, क्या किया देश की एकता के लिए, क्या किया? मॉब लिंचिंग की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, हमारे बिहार जैसे राज्य में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। नौजवानों के हाथ में 2 लाख ऑनलाइन तलवारें मंगा करके हाथ में दिया गया। हम तो कहते हैं नौजवानों के हाथ में कलम देने का काम करो, रोजगार देने का काम करो, लेकिन बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं? नौजवानों को तलवार पकड़वाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये बेहद जरूरी है कि देश में एकता कायम हो और लगातार मिलजुल करके सब लोग रहें और विकास का काम कर रहे हैं। हम लोग के मोदी जी कोई दुश्मन नहीं है पर्सनली लेवल पर अगर देखा जाए, लेकिन जिस प्रकार से मापदंड जो इन लोगों ने तय किया है, अमित शाह जी के बेटे को, जय शाह जी को इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता, पहले ही क्लीन चिट मिल जाएगा, किसी के मजाल है कि छू दे। लेकिन लालू जी और उनके परिवार पे लगातार 20 सालों से लगातार छापे पड़ते रहेंगे, लगातार रेड पड़ता रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट में डीए केस हारते रहेंगे, फिर भी वो केस नया बनाने का काम करते रहेंगे। तो ऐसे देश तो चलेगा नहीं। कल को हम सत्ता में आ जाए, कल को हम ईडी सीबीआई लगा दे किसी के पीछे, एक दूसरे का खून चूसते रहे, और देश का क्या होगा? तो आप आज ये कह सकते हैं कि अगर आप सत्ता में आए तो आप नहीं लगाएंगे सीबीआई को किसी के पीछे? क्यों लगाएंगे? लालू जी तो नीतीश जी को माफ कर दिए ये जानते हुए भी कि उन्होंने जेल भिजवाने का काम किया, फॉर्डर स्कैम में उनके चहते लोग पीआईएल करने का काम किए, लेकिन फिर भी उनको अपना करके देश हित के लिए, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए, विकास के लिए उनको माफ किया। और बिहार का हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, फिर भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो आप कैसे कह सकते हो नीतीश जी से पॉलिटिकल सबसे बड़ा एनिमी तो कोई हो नहीं सकता? तो उनको जब हम बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो आप कैसे ये कह सकते हो कि हम लोग अगर सत्ता में आएंगे तो उनके पीछे सीबीआई और ईडी लगाने का काम करें? अखिलेश जी, जिस बात का जवाब नहीं दिए इतनी देर में, वो आपसे मैं पूछता हूँ कि आप, हो सकता है बिहार में आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएं, और हो सकता है यूपी में ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगर हम तो बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, लेकिन कर्नाटका में तो किसी और को बुला लिया जाता है शपथ के लिए। हम तो दावा पेश करते रह जाते, लेकिन हम लोगों को पूछा नहीं जाता है। और देखिए, अलायंस पार्टनर है, ये तय करेंगे कि प्री पोल अलायंस किस प्रकार से हम लोग अपना फैसला रणनीति बनाते हैं, या पोस्ट पोल किस प्रकार से रणनीति बनाते हैं, तो बात की बात है। लेकिन ये बात तो सही है कि देश के सभी लोग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोगों ने मोदी जी पे जो विश्वास किया था, वो कहीं ना कहीं से लोगों का विश्वास उठता गया है। और लगातार आप देखिए, बीजेपी तो पहले मेजॉरिटी में थी, अब अल्पमत में आ गई है, लगातार बाय इलेक्शन हारती रही है लोकसभा का,
और अब तो कल को कोई अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तब तो बैसाखी पर है बीजेपी, शिवसेना अगर सपोर्ट करे या ना करे हो तो उद्धव ठाकरे फिर किंग मेकर हो जाएंगे। तो ये स्थिति बीजेपी को चिंता में डाली हुई है और बीजेपी में तो लगातार जो है अंतरूनी कला भी है, तो वो भी हमको लगता कि आने चुनाव जैसे जैसे समय आएगा वो भी सबके सामने आएगा। तो लगभग मिशन अकम्प्लिश्ड लग रहा है मुझे आपकी बातों से। तो अखिलेश जी को जाना है, तो अखिलेश जी से जाने से पहले, धन्यवाद करने से पहले, आपको ऐसा लग रहा है कि मिशन ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड है और लगभग लगभग आप वहाँ पहुँच ही चुके हैं, मतलब बदलाव हो ही जाएगा, या अभी और मेहनत करनी बाकी है? ये सब लाइव जा रहा है? हाँ, ये सब लाइव जा रहा है। नहीं, क्या पता रिकॉर्डिंग करके वो सुने बीजेपी के लोग। नहीं, वो तो सुनेंगे ज़रूर, अभी भी देख रहे होंगे लेकिन बाद में भी सुनेंगे आपकी बात। तो मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ, वही बात फिर कहूँगा मैं, इसलिए बहुत कुछ कहना नहीं है। देश नया प्रधानमंत्री चाहता है। अब नया किधर का होगा? अगर आप पे नया हो तो आप बता दो, छोड़िए बात हमारी, हम पे है नहीं प्रधानमंत्री, आप पे नया प्रधानमंत्री कौन है? नहीं, मुझे आप अगर अपने गठबंधन में, नहीं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, आप बीजेपी का नया प्रधानमंत्री कौन है? नहीं, मैं कैसे, हमारा कोई नया प्रधानमंत्री नहीं है, चलो हमने स्वीकार कर लिया, आप अपना नया प्रधानमंत्री बता दीजिए कौन है। तो आपको आपको ये भी लगता है कि ये भी हो सकता है कि बीजेपी में से ही कोई नया प्रधानमंत्री आ जाए? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। अगर आप हमसे पूछना चाहते हो, तेजस्वी से पूछना चाहते हो कि आपके गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन है, चलो हमारा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, आप बताइए कि बीजेपी में आज नया प्रधानमंत्री कौन सा है? नहीं, उनके पास तो मोदी है और वही रहेंगे। कोई नया हो तो बताओ। देखिए, इसलिए देश नया प्रधानमंत्री चाहता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुद्दा ये रहेगा कि प्रधानमंत्री पुराने प्रधानमंत्री चाहिए कि नया चाहिए, ये मुद्दा रहेगा? क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, ये इनका एक अपना दल है, हम दोनों चलो कम उम्र भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, सब कुछ हैं। मुझे खुशी है इस बात की, आज इन्होंने जातिवादी खत्म कर दिया, परिवारवाद खत्म कर दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी का। लेकिन देश नया प्रधानमंत्री चाहता है, अब नया कौन है ये तय होगा, अब जनता तय करेगी। तो दो दो चीज मैं देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार इस बार नहीं चल रहा बिल्कुल भी, और परिवारवाद भी नहीं। मैं आपसे बहुत साधारण सवाल पूछता हूँ, दिल्ली में सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर दिया गया था और ये कहा गया था कि जो भी भ्रष्टाचार कहीं होगा उस फोन के कॉल करके बता दीजिए, एक बात। लखनऊ में, यूपी में एक पोर्टल बना कि अगर भ्रष्टाचार को किसी की शिकायत है तो इस पोर्टल पे बता दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कितने फोन आए, पोर्टल पे कितने सवाल आए। तो जब भ्रष्टाचार का सवाल कैसा है ये बताइए, और भ्रष्टाचार कितना खत्म हो गया? हमारा रिश्तेदार हो गए, यादव रिश्तेदार हैं, पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बात पे हुआ कि सब यादव रिश्तेदार हैं, फिर और जगह रिश्तेदार नहीं हो सकते क्या? हम आपसे जानना चाहते हैं, शायद मैंने गलत बात कह दी क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, पूरा कंज्यूम कर रहा हूँ। आप समझ गए होंगे, आप समझ गए बात को, अगर यादव रिश्तेदार हो सकता है तो दो भी दूसरे भी रिश्तेदार हो सकते हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार कहाँ है? सवाल भ्रष्टाचार का नहीं है, मैं आज भी कहता हूँ। खूबसूरती है कि नाम लेंगे नहीं किसी का। अच्छा, सवाल ये कि देखिए, भ्रष्टाचार के सवाल नहीं है, सवाल ये कि देश कैसे आगे बढ़े। अभी एक मुल्क ने, हमारे उद्योगपति लोग जानते होंगे, पड़ोसी देश ने काला धन वापस लाने थे, बहुत अच्छी पॉलिसी लाए, 19 से ज्यादा उस देश के वो काला धन मिल गया, कागज पे पैसा आ गया। कौन सा देश है वो? अब वो भी इंडोनेशिया या मलेशिया है शायद। अच्छा। उद्योगपति जानते होंगे, लेकिन आपके यहाँ कितना उलझा दिया, नोटबंदी से ये होगा, उद्योगपति ऐसे होंगे, नोटिस मिलेगा। देश की आजादी के बाद उद्योगपतियों को कभी इतना नोटिस इनकम टैक्स का नहीं मिला होगा जितना इस बार इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। आप किसी शहर में चले जाइए, आप गाजियाबाद चले जाइए, नोएडा चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, मैं समझता हूँ पटना चले जाइए, पर ऐसे आप ये चाहते हो उद्योगपतियों को डरा करके आप देश को खुशहाल बनाना चाहते हैं। कितने उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए, और यही माहौल रहा तो न जाने कितने और देश छोड़ के चले जाएंगे, कैसे रुकेंगे देश के अंदर? जो आपका ब्रेन है, जो आपका पैसा है, जो रोजगार दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, वो तो देश छोड़ के जा रहे हैं। सरकार बताए कितना देश छोड़ के चले गए, सरकार बताए एनपीए कितना है, सरकार बताए कि बैंक लोन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो बिना इन चीजों के देश कैसे खुशहाल होगा?
सवाल ये, इसलिए हम चाहते हैं कि नया प्रधानमंत्री बने। नया प्रधानमंत्री बनेगा बिल्कुल, आपका ये मुद्दा सही है, और अगर आप इसको इस नैरेटिव को ले जा पाए तो हो सकता है जनता को पसंद भी आ जाए। लेकिन परिवारवाद की जो बात हुई, जब परिवारवाद का मुद्दा उठता है तो आप अपने आप को बैकफुट पे पाते हैं कि फ्रंट फुट पर पाते हैं? आपको लगता है तो खुशी है कि परिवार है, हमें तो खुशी है इस बात की, उसमें क्या नाराजगी है? परिवार नहीं, परिवारवाद नहीं, हम हर चीज के लिए खुश हैं। पर आपको ऐसा लगता है कि देश में ये 5-10 जो फैमिलीज हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज, यही चलाती रहेंगी? किस सेक्टर में नहीं है? उद्योगपति में देखिए आप, बिजनेस में देखिए, सब रिश्तेदार हैं, सब रिश्तेदार हैं। और दुनिया की डेमोक्रेसी समझ लीजिए, किसी देश को गूगल कर लीजिए, अगर आप पे मोबाइल हो तो गूगल कर लो। कैनेडी का बेटा नहीं बना क्या? दुनिया के किस देश में नहीं है परिवारवाद, ये बताइए पॉलिटिक्स में। और फिर हम पॉलिटिक्स नहीं करते तो क्या करते, ये बताइए आप। बिहार में आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? अरे पढ़े लिखे लोगों को बुद्धिजीवी बनना चाहिए, तो पढ़े लिखे लोगों को समझदार होना चाहिए, और जिस देश के पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होंगे वो देश तरक्की नहीं कर सकता। आपके पास तो एमबीए की डिग्री है। हमें दुर्भाग्य लगता है कि पढ़े लिखे लोग कम्युनल हैं, पढ़े लिखे लोग जातिवादी हैं, ये हमें दुख है। तो इस बार का जो चुनाव है वो आप जातिवाद और धार्मिक उससे ऊपर उठकर लड़ेंगे? सामाजिक न्याय का चुनाव होगा ये। और आप भी अपना MY फॉर्मूला भूल जाएंगे? आप भी अपना MY फॉर्मूला जो है वो भूल जाएंगे आप? देखिए, आने वाला जो चुनाव होगा, मंडल, अंबेडकर, गांधी और वर्सेस गॉडसे गोवलकर के बीच लड़ाई होने जा रहा है। और इस बार जनता ने मन बना लिया है, मूड बना लिया है। अब तो लोग ढूंढ रहे हैं बीजेपी के लोगों के, आओ चुनाव आने दो। EVM तो नहीं हटा रहे हो, लेकिन EVM में इतना बटन दबाएंगे कि आपको वहां से हिला करके नहीं। EVM वाली थ्योरी से आप सहमत हैं? देखिए, अभी चुनाव हुआ, इसमें EVM सही थी कि गलत थी? मैं ये कहता हूं आपसे, नहीं हंसने से पहले समझ लें बात को, क्योंकि कुछ लोग समझते नहीं बात को। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने लैपटॉप दिया और एक भी लैपटॉप की तस्वीर हटा के देख रहे, ये जो दांत दिखा रहे हैं इनसे पूछे कि भाई हटा सकते हो आप कि नहीं हटा सकते हो? अगर हटा के दिखा दे, 18 लाख लैपटॉप बांटे हैं, अगर एक की तस्वीर हटा दो हमारी और नेताजी की, क्यों? ये टेक्नोलॉजी है। हम केवल इलेक्शन कमीशन से ये जानना चाहते हैं कि मशीन खराब होती है, आप ठीक करते हो, आप ठीक क्या करते हो इस मशीन में, ये बता दो हमें। उन्होंने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया था? नहीं नहीं, हम सेशन की बात नहीं है, हम कहाँ से एक्सपर्ट ढूंढ के लाएं, हम कहाँ से साइंटिस्ट ढूंढ के लाएं? अच्छा, दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी क्यों नहीं विश्वास कर रही है मशीनों पर? जिस मशीन जहाँ से आई है निकल करके, जहाँ से निकल करके आई है मशीनें, वहाँ क्यों नहीं पड़ रहा है वोट? तो आप चाहते हैं वापस पर्ची पे आए हम और 3 दिन तक नतीजे आते रहे? क्यों नतीजे आएंगे? आप बताइए, रुपए गिनने की मशीन नहीं होती है क्या? बैंक्स कैसे गिनती हैं पैसे? आपने पूरे देश का 1,00,000 करोड़ पैसा था, कितने दिन में गिन लिया? क्या आप पे नहीं मशीन, आप टेक्नोलॉजी नहीं रख सकते? क्या आप चिप नहीं लगा सकते? तो मुद्दे की आप बात कुछ है। नहीं कर सकते तो आप वापस चाहते हैं? आपकी ATM कैसे पैसा गिन लेती हैं? ATM पैसा कैसे गिन लेती हैं बताइए मुझे? नहीं तो वो भी मशीन है ना, आप फिर मशीन के ऊपर आ जाएंगे कि भाई ये मशीन गिन तो सही देगी? हम बैलेट, क्योंकि गुस्सा पूरा नहीं निकल रहा। जब आप वोट डालते हैं तो मशीन को वोट डालते हैं, आप बैलेट पे जब वोट डालेंगे तो कम से कम गुस्सा पूरा निकलता है। आपके पास सुझाव है? हमारे पास सुझाव है कि बैलेट पे आ जाए। तो अगला चुनाव बैलेट पे होना चाहिए? आप ये बताइए, पूरे कनाडा में चुनाव जब खराब हुआ और मशीनें खराब हुई तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? पर कि मौसम गर्म था इसकी वजह से मशीन खराब हो गई, कैसे मान लेंगे ये बात हम? बारिश में डेंगू हो जाएगा। हाँ तो अब अगले साल मई में फिर से मौसम गर्म होगा। तो मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि अगर देश इसके लिए, मैं तो तैयार हूँ, मैं तो और दलों को भी पत्र लिखा था, फिर भी कहता हूँ कि कम से कम जो दुनिया के दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज अगर मशीन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों भरोसा कर रहे हैं? आपका ATM का कार्ड की चोरी होती है, नंबर से पैसे निकाले जाते हैं, एनर्जी मीटर में दिक्कत आती है, आधार पे दिक्कत आई कि नहीं आई दिक्कत? सो यू प्लेइंग विद द टेक्नोलॉजी। यानी बैलेट आप चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर के थ्रू चुनाव हो, मतलब इसमें मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, बैलेट से होना चाहिए अगर सरकार क्यों नहीं कर सकती बैलेट से? तो आप मांग करिए, अभी तो एक साल है, मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। तेजस्वी आप भी यही चाहते हैं बैलेट से हो? के बाद भी मांग कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बाय इलेक्शन में लगातार 3-3 इलेक्शन जीते हैं, और मैंने जीतने के बाद यही बोला कि अगर EVM को हटाया जाए और बैलेट को लाया जाए। तो बैलेट से अगर चुनाव होते हैं तो आपकी सीटों पे कितना फर्क पड़ जाएगा? बहुत बढ़ जाएंगे।
बहुत बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे तब, क्योंकि शिकायतें कितनी थी आप खुद सोचिए इस बात को कि जब कैरना का चुनाव हुआ सुबह से लेकर के शाम तक इसी बात की शिकायत आती रही, ये मशीन खराब है, ये मशीन खराब है, ये वीवीपैट नहीं चल रही, ये मशीन में गड़बड़ हो गई, लोग घंटों खड़े रहे, आधे से ज्यादा समय आप और तीन तीन घंटे खराब रही। ये वो चुनाव हुआ है जहाँ कुछ घंटे खराब हुए हैं, तीन घंटे खराब हुए वोटिंग के, और मान लीजिए अगर एक घंटा वोटिंग का खराब हो वहाँ का चुनाव, तो कितनी मशीनों का चुनाव हो जाता है। ये तो अभी का चुनाव हुआ है, और फिर कई बार मशीन्स जो यूपी से गई थी मध्य प्रदेश में जब वोट डाला गया तो दबाया कुछ और पड़ा कुछ वोट, ये तो सबके सामने था। डीएमएस भी सस्पेंड हुए कि नहीं सस्पेंड हुए भिंड के, ये बताइए आप। पर यूपी में तो अब ये बात योगी जी को कहनी चाहिए कि दबाया कुछ और वोट गई कहीं और। हम तो कह रहे हैं लोगों ने वोट किसी को दिया, निकला कोई मुख्यमंत्री। अखिलेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तेजस्वी से हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे, पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने बहुत अच्छे, नाम तो नहीं बताया आपने, बट आपने बहुत अच्छी बातचीत की। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ऑल द बेस्ट, एक तोहफा है आपके लिए, ये देखिए, वेरी नाइस, थैंक यू, ये हमारी तरफ से, ये आपके लिए है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।